आप देख रहे हैं अपना समाचार। आज 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के अंदर हमने जो प्रोग्राम किया है, इसका मकसद था कि लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि मनुष्य वही मनुष्य होता है वो जो अपने अधिकारों को जानता है, नहीं तो मनुष्य पशु के समान होता है जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है। आज मानवाधिकार के इस प्रोग्राम के अंदर 10 दिसंबर को चूंकि हैदराबाद के अंदर बड़ी निर्ममता के साथ एक डॉक्टर लड़की के साथ रेप होता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, ये आग पूरे देश के अंदर ही नहीं पर पूरे विश्व के अंदर बड़ी इतनी बुरी तरीके से फैली कि ये इसने आक्रोश का रूप ले लिया और पुलिस वालों ने जो है जनता का आक्रोश देखते हुए इन लोगों का इनकाउंटर कर दिया। हमारा प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये कहना है कि अगर इस तरीके से अगर अपराध होते रहे और इस तरीके से अगर निर्ममता होती रही तो इसी तरीके से मॉब लिंचिंग होगी, इसी तरीके से जो है सड़कों के ऊपर जो है ऐसे अपराधी मारे जाएंगे और न जाने कितने थानों के अंदर पुलिस वाले मजबूर होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने सरकार का, ऐसे अपराधियों को, घिनौने अपराधियों का, जिनके कारण आज हमें अपना मर्द जाति होने पर भी अफसोस होता है, जिस दिन हैदराबाद के अंदर पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया उस दिन हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, दर एक इंसान को हुई, दर एक मर्द को हुई, क्योंकि ये जो है ना रेप किसी न जात का होता है न पात का होता है, इसमें हर लोगों खुश हुई, महिलाएं खुश हुई, बच्चे खुश हुए, सब लोग खुश हुए, क्योंकि घर के अंदर पुरुष भी जवाब देते देते थक गए थे कि समाज में क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड पूछती है वो जवाब नहीं दे पाता, बीवी हस्बैंड से पूछती है कि ये क्या हो रहा है वो शर्म से सर झुका लेता है, माँ बेटे से पूछती है बेटा क्या हो रहा है, बेटी बाप से पूछती है, मुंह दिखाने लायक पुरुष जाति ही नहीं रही। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम जो है लड़की को 1 किलोमीटर तक जिंदा जलाकर, उन लोगों ने जिंदा जलाया जिनको रेप के चार्ज पर कुछ समय पहले ही जमानत मिली थी, इन लोगों ने उसको निर्ममता के साथ जिंदा जला दिया। ये कैसा शासन है, ये कैसा कानून है इस देश के अंदर, वो लड़की तड़पती रही, बिलखती रही, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं जागी, उसको कहां से माता रानी ने शक्ति दिया कि उसने मोबाइल से किसी के फोन किया और पुलिस खुद बुलाई, हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर जो है उसने दम तोड़ने से पहले कहा कि मैं मरना नहीं चाहती हूं, मैं जिंदा रहना चाहती हूं, इन अपराधियों को सजा दिलाना चाहती हूं। ऐसे ही न जाने कितनी मासूम इस देश के अंदर रोज तड़प के बिखर के मर रही हैं। निर्भया जैसा बीबीआईपी केस सॉरी दोस्तों इसलिए कहना पड़ रहा है कि पूरे विश्व की नजर रही उसके अंदर, उसमें लगता था कि तुरंत के तुरंत फैसला हो जाएगा, लेकिन 7 साल तक आज तक उसके अंदर फैसला नहीं हो सका। तो अगर देश की सरकार अदालतों के माध्यम से 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं लाती कि ऐसे अपराधियों को अपना मेहमान नहीं बनाना, अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी इनकम टैक्स की कमाई ऐसे अपराधियों को जेल में खिलाने के लिए नहीं बनी है, या तो इनको गोली से मरवा दिया, 24 घंटे के अंदर ऐसा ट्रायल कानून ले आए कि ऐसे अपराधियों को सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। जब हम ये बताएं, जब हमने, आप सबको पता है मीडिया के दोस्तों, कि जब हमारी बात पूरी पहुंचाइए आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आपका भी है सबका भी है कि जब मोर के मारने पर फांसी हो सकती है, देश के हर एक स्कूल में हर क्लास के अंदर ये बात बचपन से सिखा दी जाती, तो मोर को मारने की कोई हिम्मत नहीं करता। यहाँ तो लड़कियों का, हमारी माताओं का, बहनों का, बच्चियों का इस तरीके से बुरी तरीके से रेप हो रहा है, अगर ऐसा कानून हम यहाँ सख्त ले आए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, और अगर सरकार चेती नहीं और कानून नहीं लाई तो इसी तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ेगी, इसी तरीके से इनकाउंटर बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा इसको जो है अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप शीघ्र कानून लाइए, और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आज के दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के दिन प्रतिबद्ध है कि देश के हर कोने में इस कानून को लाने के लिए अपनी मांग उठाएगा और सरकार के कानों तक पहुंचाएगा, और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती तब तक चैन की सांस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं लेने वाला।